दोस्तों 18 इंची कूलर की मोटर का डाटा बताने जा रहा हूँ, जेन्युइन डाटा, आप लोग नोट करके रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा आगे चल के। दोस्तों जिसके स्लाटे 24 हो और जिसकी लेंथ 32 mm हो, उसकी वाइंडिंग अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको अगर एल्युमिनियम से वाइंडिंग करते हैं तो आपको 27 नंबर तार और 28 नंबर तार का इस्तेमाल करना है, और अगर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो 28 नंबर और 30 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। तो इसकी वाइंडिंग दोस्तों आपको सेट वाइंडिंग करना है, और सेट वाइंडिंग के अंदर आपको टर्ने जो डालनी है रनिंग के अंदर, वो रनिंग के दो कॉयलों का सेट होगा और स्टार्टिंग का भी दो कॉयलों का सेट होगा, 1-4, 1-6 की इनकी पिच होगी। दोस्तों टर्ने क्या क्या होंगी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। तो रनिंग के अंदर 27 नंबर तार से 120 और 220 टर्ने आपको रखनी है, और इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर आप डालते हैं तो 120 टर्ने और 240 टर्ने आपको रखना है, सेट वाइंडिंग करना है दोनों की। और अगर आप एल्युमिनियम की बजाय कॉपर में वाइंडिंग कर रहे हैं तो कॉपर के अंदर दोस्तों आपको इसकी वाइंडिंग जो करनी है वो 28 नंबर तार और 30 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। 29 नंबर का भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 29 नंबर में क्या होता है कि स्टार्टिंग थोड़ी सी आपकी टाइट हो जाएगी, इसलिए आप 29 की बजाय 30 नंबर तार का इस्तेमाल करें।